हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सिलिकॉन मोल्ड बनाने जा रहे हैं। सिलिकॉन मोल्ड बनाने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है, वाटर, सिलिकॉन एंड शैम्पू। आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बोर्ड में सी शेल्स रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका मोल्ड बनाने जा रही हूँ। मैं पहले से ही रेडी कर रही हूँ क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। जैसा कि आपने देखा है, मैंने एक बॉल में वाटर ले लिया है। इसमें 2 स्पून शैम्पू ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बेबी शैम्पू ले रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। शैम्पू अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें सिलिकॉन ऐड करेंगे। सिलिकॉन आपको हार्डवेयर की शॉप में इजीली मिल जाएगा और आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और हम सिलिकॉन को अच्छे से शैम्पू वाटर में धो लेंगे। जब आप सिलिकॉन को पानी के अंदर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में वो स्टिक होगा। 30-40 सेकंड्स बाद ही अपने आप हाथ से निकलने लगेगा। उसका मतलब ये रेडी है। एक बार सिलिकॉन रेडी हो जाए तो फटाफट उसे निकाल के हम जिसका भी मोल्ड बनाना है उसमें लगा लेंगे। सिलिकॉन को हम ज़्यादा देर पानी में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो सकता है। जिसका भी मोल्ड बनाना है उसके ऊपर हम अच्छे से सिलिकॉन को लगा के अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि उसका इम्प्रेशन सिलिकॉन के अंदर आ जाए। हम एक बार में बहुत सारा सिलिकॉन साथ में नहीं बना के रखेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो सकता है। तो जितना अमाउंट का हमें ज़रूरत है उतना ही हम बनाएंगे एक बार में। अब हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे और साइड में भी दबा देंगे। ऐसे ही हम सेम तरीके से 2-3 मोल और बना लेते हैं। बस ये हो गया है। अभी हम उसको 1/2 आवर के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है और सरफेस से अपने आप इजीली निकल जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इम्प्रेशन आया है इसमें।
जब भी हम मोल्ड बनाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि अच्छे से हम सिलिकॉन हर जगह पे लगाएं। इसमें देखिए मैंने अच्छे से सिलिकॉन नहीं लगाया है तो ये ऐसा आया है। हमारा सिलिकॉन मोल्ड रेडी है। अभी मैं इसको कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर होममेड एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रही हूँ। जब भी हम मिक्स मीडिया का काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम घर में सिलिकॉन मोल्ड रेडी कर लें और उससे हम लोग मिक्स मीडिया का काम करें तो बहुत सस्ता भी पड़ता है, हमें ईजी भी रहता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इम्प्रेशन आया इसमें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक मिक्स मीडिया का प्रोजेक्ट लेके आने वाली हूँ जिसमें ट्राई करूंगी कि जितना भी सिलिकॉन मोल्ड बनाया है उससे ही मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूं। ये मैंने सेम सिलिकॉन से एक मोल्ड बनाया हुआ था पहले। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।